दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे एक्स सर्विसमैन उस समय मोदी जी के जुमलों के झांसे में आ गए और उन्होंने सोचा कि ये मोदी जी वन रैंक वन पेंशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और हम लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने रिवाड़ी में रैली करने से पहले 2013 अगस्त में जो रैली की थी उससे पहले हमारे डेलीगेशंस जो गए उनको कहा कि हम आपकी ये डिमांड 100 दिन में पूरा करेंगे, पहले 100 दिन के अंदर। लेकिन रिवाड़ी रैली के अंदर उन्होंने 5 बार उस स्टेज के ऊपर घूमकर 5 बार उन्होंने कहा, मैं अपने देश के सैनिकों को नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, और मैं इसको पूरा करूँगा और उनके इज्जत मान और सम्मान को देने का काम करूँगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं किया। हम कई बार उनके पास गए, जेटली साहब के पास भी गए, राजनाथ साहब के पास भी गए, लेकिन मोदी साहब ने आज तक हमें मिलने का समय नहीं दिया। और अल्टीमेटली हमें 1.25 साल के बाद, 100 दिन की बजाय 1.25 साल के बाद हमें 2015 में जंतर मंतर पर आकर बैठना पड़ा।